हमारे साथ हुआ जी, और के साथ ना हो, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे थे भाई वहां पे। 100% केस ही करूंगा, आप लोगों के साथ ना हो। वो प्रेशर बना रहे हैं इसके ऊपर कि भाई ये इनकी साजिश है, क्या है इनका मेन मोटिव, ये है कि होटल का मालिक है, ये वीडियो यूट्यूब से डिलीट हो जाए। जो मेरे साथ में हुआ वो बहुत गंदा हुआ। पैसे भी मैं देने के लिए रेडी हूँ। पेन इंसान है जी, वो तो फिर बच के निकल गया। तुम्हारा जीना आराम हो जाएगा। वो अपनी इतनी अकड़ में होटल का मालिक, होटल वाले केस करेंगे, आपको भी दिक्कत होगी। हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई सबके। तो भाई दोबारा से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो भी कोई ब्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, और वो वीडियो जो आपने पहले देखी और सपोर्ट करी, जिसको नहीं बताया मैं उनको बता दूँ कि गाइस जैसे कि हम ऋषिकेश गए थे कवर लेने के लिए, तो जब हम वहाँ पे होटल में पहुँचे हमारी गाड़ी के टायर फाड़ दिए थे भाई, और हम कितने परेशान हुए थे वहाँ पे यार। मतलब इतनी हद तक उन्होंने ज्यादती करी हमारे साथ भाई, मतलब एक नॉर्मल बंदा भी अगर जाता है ना तो ये काम उनके साथ भी नहीं करना चाहिए। हम तो स्पेशली कावड़ लेने के लिए गए हुए थे भाई, और कावड़ वालों का तो इतना सम्मान, इतनी इज्जत करते हैं लोग, लेकिन उन्होंने भाई ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हमारा नुकसान कर दिया, हमारी गाड़ी के टायर फाड़ दिए। जिन लोगों ने वीडियो वो नहीं देखी है, जो भी नए व्यूअर्स हैं और जो अभी वीडियो देख रहे हैं, वो पहले वो वाली वीडियो जाके देखो और फिर ये वाली वीडियो देखना, तब आपको समझ में आएगी पूरी बात कैसे क्या हुई। तो गाइस हुआ ये कि जैसे हम होटल में पहुँचे ही थे वहाँ पे, और होटल में पहुँच के मतलब साइड वाला रेस्टोरेंट था जो हम वहाँ पे खाना खा रहे थे, और जो साइड वाला जो होटल था उसकी पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क कर दी। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से गाड़ी हटा लो। मैंने कहा कि मामा भाई कावड़ यात्रियों की सब सेवा मदद करते हैं, 2-4 मिनट में कुछ ना होता। तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें देख लूँगा, उसने धमकी दी वहीं पे। तो भाई इस बात से लेके मैंने कहा कि हाँ चल कोई ना देख लेंगे भाई। फिर इतने हम खाना खा के आए, उसने क्या किया, हमारी गाड़ी के टायर फड़वा दिए, दोनों के दोनों। सूए नहीं होते हैं जो सूए जो बर्फ वाले जो सूए होते हैं उनसे वो टायर फाड़ दिया भाई। तो भाई इतनी बात हो गई थी। फिर वहाँ पे हमने जैसे अपने पूरी वीडियो देखी होगी भाई, वहाँ प्रशासन भी आया, उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी भी आए भाई। तो वो लोग क्या कर रहे थे, उनकी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, मतलब उनको बचाने के लिए 10 बातें बोल रहे थे और हमारी कर रहे थे सिर्फ एक बात। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि भाई ये मिले हुए हैं। तो जैसे मेरा पूरा प्लान था ये कि हाँ भाई मैं अब 100% केस ही करूँगा, क्योंकि वो लोग मतलब जो उसका मालिक था और जो वहाँ पे जो वर्कर थे, उन दोनों की मिली भगत ही थी ये काम। किसने किया, किसने करवाया, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जो वीडियो मैंने पहले डाल रखी है उसमें एक बंदे ने मतलब ऑन वीडियो लाइव थी वो वीडियो, उसमें हाँ भर रखी है कि हाँ उसने सुए मरवाए थे। अभी तक पता नहीं चला कि भाई वो सुए किसने मारे थे, लेकिन उसने बोला कि हाँ मैंने मरवाए थे। तो भाई अब ये नहीं पता हमें कि वो मालिक ने करवाया है या उस वर्कर ने करवाया है, या उसके मालिक ने उनको बोल रखा है कि तुम ऐसे ही बदतमीजी से बात किया करो सबसे जो भी आए, और जो मतलब खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे थे भाई वहाँ पे वो। तो इतना सब मैटर हो गया, तो फिर उन्होंने पुलिस वालों ने कहा कि अगर आप केस करते हो तो आपकी गाड़ी भी यहीं पे जब्त होएगी और आपको यहीं पे रहना पड़ेगा कम से कम आज या और कल। तो फिर हमने ये सोचते हो कि भाई हमें दिक्कत हो जाएगी ऐसे। तो भाई हमने वो वीडियो रिकॉर्ड करी हर एक चीज़, मगर यार इसका इलाज और कुछ भी नहीं है, सोशल मीडिया पर डालते हैं। और भाई जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए हमने वो वीडियो डाली थी। हमारा कोई ऐसा मेन मोटिव नहीं था। अब यार हम जैसे मैं डेली व्लॉग सुनाता हूँ आपको, दिखाता हूँ हर एक चीज़, तो वो चीज़ भी दिखाने का भाई मेरा युवा विवाद है, हक भी बना है और दिखाना भी चाहिए भाई। जो चीज़ गलत हो रही है वो आप लोगों के साथ ना हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव था मेरा वीडियो डालने का। तो भाई अभी उस वीडियो पे 3.5 लाख से ऊपर व्यूज़ जा चुके हैं, और आपके सपोर्ट से गाइज, आपके जितने आपने शेयर किए वीडियो, उससे भाई जो उनका मालिक था उसका तो कोई फ़ोन आया नहीं, लेकिन जो उनका वर्कर था जिसने वीडियो में कबूल किया है कि हाँ भाई मैंने सुई मरवाए थे, उसका फ़ोन आ गया है। जो मेरा फ्रेंड था विशाल जो हमारे साथ ट्रिप पे गया हुआ था, उसका नंबर वहाँ पे दे रखा था हमने, तो उसके फ़ोन पे फ़ोन आया है, उसी की बात हुई है, रिकॉर्डिंग हुई है सारी चीज़। आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, रिकॉर्डिंग देखो क्या रिकॉर्डिंग हुई है, ये रिकॉर्डिंग है। हेलो, 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 हेलो,
ये रिकॉर्डिंग पूरी सुनना आप एक बार, इसमें आवाज नहीं आ रही थी, मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ आगे। ये विशाल बोल रहा है, अगर हमने आपको गाली गलौज दी हो या तुमसे कुछ बोला हो, मैं तो स्टार्टिंग में बोला था भाई आपने, नहीं तुमने तो मेरी, तुमने तो मेरी गाड़ी में तुरंत सूहे मार दिए, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को नए टायर चेंज करवाने पड़े, मेरे को 36,000 रुपए देने पड़े। ये पैसे देने की बात कर रहा है, अब जो होटल वाला है ना, मैं आपको बता दूं, जो होटल का मालिक है और इसमें चाहे कोई भी है, वो प्रेशर बना रहे हैं इसके ऊपर। अब मेरे को पूरी बात ये नहीं पता कि भाई ये इनकी साजिश है क्या है, ये लड़का भी हो सकता है कि होटल वाले से मिला हो, पर मतलब खुल के बात सामने आ नहीं रही है। इनका मेन मोटिव ये है कि जैसे तैसे भी करके ये वीडियो यूट्यूब से डिलीट हो जाए। तो भाई मुझे आपसे ये पूछना है कि आप बताओ कि आपके सपोर्ट से सारा ये हुआ है, भाई उनका फ़ोन आया, उनके पैसे आ चुके हैं मेरे अकाउंट में, उन्होंने पैसे भेज दिए हैं, तो आप मेरे को ये बताओ कि ये वीडियो डिलीट होनी चाहिए या नहीं, एक बार मेरे को कमेंट करके आप ये बताओ। और अभी आगे की और रिकॉर्डिंग सुनो। नहीं तुम्हें, तुम्हें उस समय समझा रहे थे, उस समय तुम्हारे समझ में आया ही नहीं, तुम्हें तो ये लग रहा था कि बेवकूफ है, बकरे सारे बकरे तो ना। गलती मत मानियो, तुम जैसे के था ये था भैया, मेरे को नहीं पता इतना बड़ा वो होगा। नहीं आपको मैं बार, बार, आपको मैं बार बार बता रहा था, बार बार बता रहा था, फोटो दिखा रहा था, बोला आप समझने को तैयार नहीं थे। मैं बोलूं भाई मान लो गलती, मान लो गलती, मान लो गलती, तुमने लास्ट तक अपनी गलती नहीं मानी किसी ने। गलती किसी की थी भैया, गलती मेरी थी भाई साहब। वो वीडियो कितने लोगों ने देखी है, मुझे तो पता भी नहीं है। मेरे को तो अब मेरे को जब निकाला उन्होंने, जिस दिन आपने वीडियो डाली थी उस दिन निकाला था, मैंने तो अब तक वीडियो देखी भी नहीं है। तो होटल वाले ने भाई इसको निकाल दिया है अब इसकी जॉब से। अब मेरे को ये नहीं पता कि या तो होटल वाले और ये भाई मिलके ये सोच रहे हैं कि जैसे तैसे भी करके भाई ये वीडियो डिलीट हो जाए, मतलब कुछ अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं है। तो आप लोग एक बार, हर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार ये सोचो और मेरे को कमेंट्स में बताओ कि भाई मतलब क्या चल रहा होगा, ऐसा क्या होगा, तो वीडियो डिलीट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किसके ऊपर बात आ रही है, एक बार पूरी बात और सुनो। चाहे वो अब कुछ भी करे मेरे साथ में, वो अब कुछ भी करे मेरे साथ में, सब कुछ मैंने ऑन प्रूफ डाला है, मैं वीडियो नहीं हटाऊंगा, बिल्कुल नहीं हटाऊंगा वीडियो, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हटाऊंगा भाई वीडियो। ये विशाल बात कर रहा है, जो मेरे साथ में हुआ वो बहुत गंदा हुआ, मैं भी नहीं हटाऊंगा भाई। हेलो प्लीज यार, आप समझ नहीं रहे यार, आपने समझी थी हमारी, ये बताओ आपने समझी थी हमारी, अब सब ने ना घूम फिर के सारी बात इस लड़के के ऊपर डाल दी है, सारे जितने भी होटल वाले लोग थे कि इसका करा हुआ है, अब ये ही सेटलमेंट करवाएगा, तो अब ये सारा लड़का, ये लड़का अब सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहा है कि पैसे भी मैं देने के लिए रेडी हूँ, सब कुछ मैं करने के लिए रेडी हूँ, केस भी भुगतने के लिए रेडी हूँ, होटल का नाम नहीं आना चाहिए। तो भाई साहब आप ये देख लो कि मतलब पहले होटल वाले इनको बोलते हैं, इनको प्रेशर करते होंगे, तभी वो भाई वहां से गाड़ी हटवाने के लिए बोल रहे होंगे ना, ना तो भाई इतने जो वर्कर हैं, और किसी वर्कर ने नहीं बोली हमको ये बात आज तक किसी ने, तो होटल का जो मालिक है उन्होंने ही सख्त आदेश दे रखे होंगे कि भाई यहाँ पे कोई गाड़ी लगनी नहीं चाहिए, अगर कोई गाड़ी लगती है तो उसके अंदर सूए मार दो, नहीं तो
किसी ऐसे होटल के कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं होती भाई, अब वो सुवा लेगा और फिर टायर फाड़ देगा। आप ये बात मानो, ये तो मेरे को 100% पता है कि होटल वाले की मिली भगत है। मिली भगत मतलब इतना प्रूफ मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि उस टाइम पे वहां मालिक भी मौजूद था। मालिक ने भी एक बार आके मेरे को ये नहीं बोला कि हाँ भाई गलती है, उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ और आपका जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना मैं दूंगा। ये एक सिंपल सी मतलब ये इंसान की बात होती है, एक ह्यूमैनिटी की बात होती है कि हाँ भाई आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम करेंगे। हाँ जो समय का नुकसान हुआ है भाई, समय के लिए तो कुछ हो नहीं सकता, वो तो हो गया भाई नुकसान, लेकिन जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम करेंगे, ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं बोला भाई। और जब वीडियो डली है, इतनी वायरल हुई है आपकी हेल्प से, इतनी मतलब वीडियो शेयर हुई है, तब जाके उनके मतलब उनके दिमाग में ये आया कि हाँ हमारे होटल का नाम खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और फिर इस लड़के का मेरे पास फोन आया, क्योंकि वो इसको प्रेशर कर रहे होंगे कि ये काम तूने किया है तो तू ही ठीक करवा। तो लो आप लोग मेरे को ये बताओ कि क्या करना चाहिए, कि और मुझे ये लग रहा है कि ये पैसे भी इसने अपने जेब से भेजे हैं, तो मैं इससे अभी बात करूंगा। अगर इसने खुद अपनी जेब से भेजे होंगे तो इसको मैं रिफंड कर दूंगा भाई, क्योंकि गरीब आदमी के पैसे नहीं देने चाहिए, नुकसान हो गया देखी जाएगी वो भी। पर होटल वाला जो है वो सामने क्यों नहीं आ रहा है, बात सिर्फ ये है। अभी भी जिसने जो मेन इंसान है जिसने ये सारा काम करवाया वो तो फिर बच के निकल गया, इसमें तो फिर गरीब फंस गया। जिसका नुकसान होया वो तो है ही हमारे जैसे अपसेट हो ही रहे हैं, जिसने अपनी जेब से पैसे दिए वो फिर फंस गया। मतलब रियल इंसान तो अभी भी यूं का यूं है, उसको तो 1% भी फर्क ना पड़ा। मैं आज तक कितने हम बड़े हो गए, आज तक हमने यूं नहीं देखा कि किसी ने इतनी हिम्मत करी होगी कि किसी के टायर में ऐसे इंजेक्शन भर दे, टायर फाड़ दे। मतलब गाड़ी हटवानी है आप नॉर्मली बोल के भी हटवा लेते, या आसपास कोशिश करते, या जब पुलिस बुलानी थी तब बुलाते, एक अपने तरफ से कोई भी अच्छा स्टेप लेते कि हाँ भाई हमारे रूल्स ये हैं, हम ऐसे नहीं करने देंगे। यूं उनके होटल के रूल में यो कहाँ लिख रहा था कि कोई भी गाड़ी खड़ी होगी और हम ऐसे इंजेक्शन मार देंगे। ये तो बहुत गलत बात है यार। उनने असल में नूना बेरा था, उनने यूं भी पता था, ये यूट्यूबर्स है, उन्हें नूना पता था सोशल मीडिया की पावर क्या है, कि जो सोशल मीडिया पे लोग आज के टाइम पे जो फैमिली जुड़ने लग रही है, हर इंसान एक दूसरे से कनेक्ट होने लग रहा है, उनका आइडिया ही नहीं उनने कि अगर सब मिलके कोई भी स्टेप लेना चाहे ना तो वो बहुत आसानी से ले सके हैं। तो ये उन्हें पूरा पता लग गया कि एक वीडियो से कितना फर्क पड़ा है। वो यूं सोच रहे थे हम ही कोई यूट्यूबर है, धमकी दे वीडियो डालने की, हमने बतेरा आराम हमने से भी उनको बात ये भी करने की बोला है कोशिश करी। कि तुम्हारा जीना आराम हो जाएगा, ठीक है, बस तुम अपनी गलती मान लो। लेकिन वो अपनी इतनी अकड़ में होटल का मालिक और भाई वो वर्कर भी, लेकिन वर्कर अब हम अपनी गलती मान रहा है, हर एक चीज करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसको प्रेशर किया जा रहा है भाई, हम घूम फिर के फिर से अपसेट हो उसको गए। जॉब से भी निकाल दिया। मेरे को ये नहीं होता कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब होटल वाला जो है वो ऐसे काम क्यों कर रहा है भाई, वो खुद सामने क्यों नहीं आ रहा। हमारा नुकसान भी होया, अब इमोशनल में भी हम ही फंस गए कि वो चलो बेचारा गलती वो सबसे होती पैसे है भाई, दे रहा कोई है। दिक्कत निकलती होगी, अपनी हाँ। गलती की माफी मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माफी ना मांगते हुए वो उस गरीब आदमी को प्रेशर कर रहा है कि तू डिलीट करवा, जो भी हो सकता है, मतलब उसकी अकड़ देख लो होटल वाले की, भाई क्या अकड़ है इतनी। तो बस आपके साथ यही बात हमको शेयर करनी थी। बराबर रिकॉर्डिंग पूरी सुनो और जो बाकी की रिकॉर्डिंग है। देख लो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि इसको बोला गया था सुहा मारने के लिए, और ये कह रहा है कि मेरे को नया नया रिसेप्शनिस्ट बनाया था ताकि ये अच्छा काम करके दिखा सके, इसने अपना काम किया भाई। मैं मतलब अब ये कह रहे हैं कि मतलब होटल वाला अगर केस करेगा तो आपको भी दिक्कत होगी, हमें क्या दिक्कत होगी, हमारे पास तो ऑन रिकॉर्ड सब कुछ था भाई।
और हमने अपलोड भी कर रखा है, आपको भी बताया हर एक चीज है। मतलब अब भी होटल वाले का देख लो भाई, वो क्या धमकी दिलवा रहे हैं, ये 100% यही बात है। अब वो उस लड़के को प्रेशर कर रहे हैं होटल वाले, या सारी की सारी होटल वाले की अगर गलती ये सेटलमेंट होटल वालों की तरफ से आती ना, हम वीडियो ऑन द स्पॉट डिलीट कर देते, वीडियो का हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब ये सेटलमेंट आ रही है उस इंसान से जो नौकरी खोके बैठा है, इसलिए हमारा दिल अब भी दुख रहा है कि ना हमारे टायर भी गए, उस बंदे की नौकरी भी गई, होटल यूं के यूं, होटल वाला यूं का यूं है, इसलिए हम अपसेट हो रहे हैं। इसलिए आप लोगों को कह रहे हैं कि कुछ हमें गाइड करो, बताओ कमेंट करके बताओ कि भाई बिल्कुल, मतलब आपके सपोर्ट से ही सारा हुआ है, ये जो आपने वीडियो शेयर करी है भाई उसकी वजह से ही इन तक वीडियो पहुंची है, तब जाके उन्होंने देखा कि हाँ भाई होटल का नाम बदनाम हो रहा है, मतलब गूगल पे रिव्यू बहुत गलत जा रहे थे इसके। तो भाई अब आप ही बताओ कि क्या करना चाहिए, वीडियो डिलीट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके जो पैसे आए हैं वो रिफंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और जो भी मतलब एक्शन होता है ना वो बताओ कि मतलब अपनी अपनी राय दो भाई। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा, 100% कमेंट्स पढ़ूंगा भाई आज में। तो आज की वीडियो बस यही थी, आपका सपोर्ट दोबारा चाहिए भाई, तो गाइस आई एम वेटिंग फॉर सपोर्ट। और इस वीडियो को इतनी शेयर करो कि भाई मतलब जिनके कमेंट उस टाइम पे आए थे, जिन्होंने वो वाली वीडियो देखी थी, आप दोबारा ये वाली वीडियो शेयर करो, तब जाके भाई मतलब सबको पता चलेगा कि हाँ ऐसे हो रहा है, तो सबकी राय आएगी, मतलब जो आप सब बोलोगे ना वही हम करेंगे। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, बस आज की ये वीडियो थी, बाय बाय।